लेकिन आप भी समझते सर कि वो फोकल पर्सन स्पोक्स पर्सन सबसे ज्यादा शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा एक्टिव थे, हालांकि आपकी सबसे ज्यादा जरूरत तो गांव देहातों में थी, वहां पे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था जो फुटेजेस हम इस वक्त तक देख रहे हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, काइंडली करेक्ट। हाँ, थोड़ा सा अगर मैं आपकी गलत मैं आपको नहीं कहूंगा, हो सकता है चीजें आपकी भी दो आंखें तो नजर से और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आजकल तो हो सकता है कुछ चीजें आपकी नजर से नहीं गुजरी हो, मगर आपको मैं नॉलेज में इजाफा करेक्शन नहीं कहूँगा, नॉलेज में इजाफा कहूँगा कि कर दूँ कि बदीन में हमारे एक स्पोक्स पर्सन है वाहिद हेले पोटा, ठीक है, उन्होंने पूरा हमें जो डिवाइड किया था ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे सिंध की थी, सो सिर्फ शहरों की नहीं की थी। आई एम फ्रॉम कराची तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कराची की मिल गई मुझे, सिमिलरली बदीन हो गया, हैदराबाद हो गया और यहाँ दीगर जो इलाके हुए सराउंडिंग एरिया वाहिद हेले पोटा साहब हैं वो उनको देख रहे थे, फिर मज़ीद आप आगे जाएंगे तो गवर साहब हैं गवर इसरान उसको वो देख रहे थे, फिर ऑल द वे जब आप सखर घोटकी वगैरह टच करते हैं वहाँ मेयर जो हैं अरसलान बैरिस्टर अरसलान साहब जो मेयर भी हैं सखर के और स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो ये हमने कोई ऐसा इलाका सिंध गवर्नमेंट की जब आप बात करती हैं उनका एक्टिव होने से वैसे क्या मुराद थी, वो क्या सहूलियात फैसिलिटीज प्रोवाइड करे थे? देखिए मैं पहले तो आपके सवाल के जवाब की स्पोक्स पर्सन का सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं थे, अक्रॉस पाकिस्तान हर जगह पूरा कोई जगह नहीं थी, हमने पूरा सिंध डिवाइड किया हुआ था और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी।